सौरभ जोशी जैसे बोलता है कि हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता, उसी तरह इस फील्ड को पहले कोई नहीं जानता था। सो टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं और हम लोग चामुंडा मंदिर को निकल गए हैं। टीचर ने मारा है, किसने मारा है पता जल्दी? ऐसे ही पकड़ते हैं ना, ऐसे जाते रहे बोल रहे हैं, ऐसे सिखा रहे हैं मुझे जैसे कि मैंने पहले कभी ब्लॉगिंग नहीं की है। ये देखो भाई साहब, इतनी रात में अकेले अकेले घूम रहे हैं, वो भी ऐसी जगह में, और मेरे को बाइक में भी डर लग रही है। वाह। तो कल से शुरुआत हो गई है श्रीमद देवी भागवत गंगोली हाट हनेरा चामुंडा मंदिर में, और कल शाम को तो ज्यादा देर में रुक नहीं पाया वहाँ। आज अगर मौका मिलेगा तो शाम तक जाएंगे, एक बार देख के आएंगे भागवत में क्या चल रहा है। बाकी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा भाई के एक नए दिन नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, हम लोग भी बढ़िया। तो जैसा कि आज भी आप देख पा रहे हैं, धूप ऐसी खिली हुई है, मतलब हल्की हल्की सी धूप खिली हुई है, क्योंकि आसमान पे हल्के हल्के बादल हैं और ठंड आज भी काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए मौसम को ना देखने से ही पता चल रहा है कि ठंडा ठंडा वाला मौसम हो रखा है, क्योंकि धूप बहुत कम है, आसमान पे हल्के हल्के बादल हैं। बाकी कल तो क्या सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिले, शोभा यात्रा कितनी सुंदर लग रही थी, मतलब गंगोली हाट के बीच से जब निकली है ना, गजब, मतलब मज़ा आ गया। और कलश यात्रा में भी बहुत सुंदर था, मैंने दूसरों के व्लॉग में देखा था, मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं लेट हो गया था, मैं लेट ही पहुंचा था, मैं तो 10:30 बजे करीब मैं पहुंचा था वहाँ। तो जितना भी मैंने देखा वो सब शूट किया, आप लोगों को दिखाया। तो फिलहाल नाश्ता वास्ता करते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। बादलों के उड़नी वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उतरा। आजकल थोड़ा सा ना इधर उधर की वीडियो ज्यादा आ रही है, इस चक्कर में जो घर की चीजें हैं, जैसे कुछ दिखाने को बोला था ना परसों स्नेहा ने, पॉली हाउस वगैरह क्या हो रखा है, क्या फ्रूट्स हो रहे हैं आजकल, ये सब नहीं दिखा पा रहे थे। तो स्नेहा के कपड़े वपड़े अब भी धुले हैं ये देखो, और स्नेहा चाह रही है कि मेरा तो पूरा गला वाला खराब हो गया यार, मतलब जुकाम सा हो गया। तो स्नेहा चाह रही है कि एक बार जाके दिखाए वो नीचे जाके, मतलब खेतों में। तो स्नेहा को देते हैं कैमरा आज काफी दिनों के बाद, ले देखो। तो देखते हैं कैसे बोलती है ये व्लॉग में, कैसे बोलती है। आप सच्चाई बोलती हूँ, कुछ भी मतलब भूलते नहीं गई क्या? ले पकड़ पकड़, ये दे दो मुझे माइक, ले ऐसे ही पकड़ते हैं ना, ऐसे जाते रहे बोल रहे हैं, ऐसे सिखा रहे हैं मुझे जैसे कि मैंने पहले कभी ब्लॉगिंग नहीं की है। भूल रहे हो आपकी व्लॉगिंग की शुरुआत मैंने ही की थी। सो ये तो गए अपने कमरे में, और मैं चाह रही हूँ आपको थोड़ा सा दिखाना पॉली हाउस में पापा ने क्या लगाया है और क्या हो रहा है। वैसे मैंने अभी तक खुद नहीं देखा है क्योंकि मैं इतनी बिजी हूँ ना अभी। तो चलिए चलते हैं खेतों की तरफ, और आप लोगों से ना थोड़ी बहुत गपशप भी करना चाह रही थी मैं काफी टाइम से, बट माई ने मौका नहीं दिया अपने महोत्सव के चक्कर में। और अभी भी ना चामुंडा मंदिर गंगोली हाट में भागवत लगा हुआ है, तो ये वहां को जाने वाले थे, तो मैंने बोला कि मुझे भी आज थोड़ा सा मौका देना कैमरे में आने का, क्योंकि ये देखो कहाँ दिख भी रहे हो आप, हो कहाँ पर? अच्छा ऊपर 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 और ऊपर यहाँ पर। तो अभी मैं जा रही हूँ खेतों में, अभी अभी मैंने थोड़े कपड़े वपड़े धोए हैं भौके और बाकी सभी के दादा लोगों के, और गुन्नू स्कूल से आने वाली है अभी, तो शायद उसको पिक करने भी जाना पड़े क्योंकि भाभी खेत में कुछ काम कर रही हैं। तो चलिए चलते हैं खेतों की तरफ, और माल्टो में भी फल अभी नहीं आया है, ये रहा माल्टे का पेड़, तो इसमें फल अभी नहीं आया। माल्टे हमने कितने खाए थे ना, याद होगा आप लोगों को, हमने नहीं मतलब मैंने, मेरे साथ आप लोगों ने देखा था, खाया नहीं था, ठीक है। तो बाकी बैक कैमरे से दिखाऊं अगर तो ज्यादा बेटर रहेगा आई थिंक, क्योंकि मैं दिख पा रही हूँ इसमें। तो ये रहा पापा लोगों का प्याज जो कि ऑलमोस्ट रेडी है अब उखड़ने को, ये देखो इस पे इतनी अच्छी जड़ भी बन रखी है ये, तो काफी सारा प्याज लगाया पापा ने इस पे, तो ये रेडी है। और ये धनिया भी रेडी है, कटना रह गया खाली। और ये देखो छोटे छोटे पेड़ है ना पापा के आम के, तो कितना सुंदर फल आया इन पे, ये
लद रखा है लद। और ये है मिर्ची के पौधे, मिर्ची लगाइए। ये शिमला मिर्च है या फिर नॉर्मल मिर्च, वो समझ नहीं आ रहा मुझे। और ये वाले छोटे छोटे बैंगन, तो इस वाले छोटे छोटे खेत में लगाया पापा ने मिर्ची और बैंगन। तो चलिए अब चलते हैं पॉली हाउस की तरफ। पॉली हाउस में पापा ने क्या लगाया है, ये भी बैंगन है, छोटे बैंगन। ये तो शिमला मिर्च है, ये मैं पहचान पा रही हूँ, ये पूरी क्यारी शिमला मिर्च की है। और ये शायद पापा ने बीज रखा होगा ना, तो ये बीज वाले पौधे हैं बैंगन के। और ये वाली है बीन्स है ये वाली। तो पॉली हाउस में बस यही है, बाकी मम्मी ना मुझे आवाज दे रही है कि गुन्नू आ गई है, तो उसको पिक करने शायद मुझे जाना पड़े। और अगर भाई मुझे कैमरा देंगे तो मैं ले जाऊंगी, मतलब फोन देंगे तो, क्योंकि उनका है। तो चलिए अभी बाकी ना आप लोगों को मैं दिखाऊंगी मौका मिलने पर कि क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं। अभी ना खास कुछ फल भी हो नहीं रहा खाने लायक, तो अभी बस इतना ही है। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ नीचे राधुगाड़ तक, नन्नू स्कूल से आ रही है ना, तो उसको लेने वहाँ तक दादा छोड़ रहे हैं। स्नेहा आ रही थी वैसे, लेकिन स्नेहा के लिए दूर हो जाता है यहाँ, और फिर इतने में काइनू उड़ जाएगी तो फिर वो तहलका मचा देगी, तहलका। तो इसलिए मैंने सोचा मैं फ्री हूँ, ले आता हूँ। बाकी देखते हैं शाम तक, अगर जाना हुआ तो एक चक्कर चामुंडा तक भी जाएंगे। ये देखो हमारा नन्नू आ गया है स्कूल से, और आज स्कूल में इसकी पिटाई हुई है। देखो ऐसे ले जाना पड़ रहा है इतनी चढ़ाई में, इसका बुढ़ा बच्चा हो गया है, चलता भी है फिर भी चल नहीं रहा है, बोल रहा मेरे को गोदी में आना है, थकान हो जाती है मुझे। मुझे नहीं होती क्या थकान, मुझे भी तो थकान हो रही है। चलेगा अब है? नहीं चलेगा, रोज रोज आइसक्रीम खा के आता है, है? तो नोनू का कहना है कि आज स्कूल में किसी टीचर ने मारा है, किसने मारा है बता जल्दी। नहीं आप मारे, पीठ में मारी किसने? बड़ी अम्मा, छोटी अम्मा, अम्मा भी है क्या वहाँ? अच्छा पता नहीं, जो भी है ये बोल रही है कि इसको मारा है आज। मजाक में मारा होगा ना, दर्द थोड़ी हुआ होगा तुझे, गुस्से में मारा या मजाक में है? गुस्से से नहीं मारते रे, इतने छोटे बच्चे को कौन गुस्से से मारेगा, मजाक में मारा होगा। आते ही आज ये शिकायत करने लग गई, गोली मारते हैं बोल रही है, टीचर तो गोली मारते हैं। आते ही मुझे शिकायत कर रही थी, और अपने पापा से भी बोल रही थी कि मुझे आज स्कूल में मारा है। इसके पापा बोल रहे थे कि मैं वहाँ जाके आऊँगा, पता करके आऊँगा, जहाँ तक इसको मारा तो नहीं होगा, खाली ऐसे मजाक किया होगा, ये बस खाली कंप्लेन कर रही है ना। और बैग भी देखो नोनू का कैसा है, कौन सा वाला बैग है नोनू, ये गिर जाएगा, डॉगी वाला बैग, पीछे को गिर जाएगा, अच्छे से पकड़। ये क्या लटक रहे तेरा, ये तो यार खान पीन तो है क्यों, और दोपहर एक बज गया नैल, कतुक बज गया नैर, 2:41 हो रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ अभी चामुंडा मंदिर, कल भागवत के टाइम पे मैं घर को आ गया था ना कल, तो किसी ने बताया कि 2 के बाद स्टार्ट होता है भागवत, तो सोच रहा हूँ चामुंडा मंदिर होके आते हैं, क्योंकि कल का जो दृश्य था ना, मतलब वो आँखों से अभी तक भुलाया नहीं जा रहा है वो दृश्य। तो मैंने कहा एक बार फिर से होके आते हैं, टाइम लगे तो मंदिर जाने में क्या दिक्कत है, मतलब मंदिर जाओ तो अच्छा ही है। तो इस वजह से मैं निकल गया हूँ अभी चामुंडा मंदिर को, बाकी जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको भी दिखाएंगे, इसीलिए जा रहे हैं। सिनखोला फील्ड में पहुँचा हूँ, इस फील्ड को तो अब आप लोग जानते ही हैं मेरे ब्लॉग के थ्रू। ऐसा वाला हो जाएगा ना वो कि सौरभ जोशी जैसे बोलता है कि हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता, उसी तरह इस फील्ड को पहले कोई नहीं जानता था,
जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तब से सिनखुला फील्ड हैगर के पूरी दुनिया में लोग जान रहे हैं। जोक सपाट, इस फील्ड में पहले से बहुत सारे मैचेस वगैरह होते रहते हैं और लगभग इस साइड के हर गांव के लोग इस फील्ड को जानते होंगे। क्रिकेट प्रेमी तो सब जानते होंगे। तो मैं आ गया हूँ दसाई थल में। यहाँ से दादा भी आ रहे हैं, दादा अपनी गाड़ी उधर पार्क करके आ रहे हैं, उसके बाद साथ ही चलते हैं बाइक से सीधे चामुंडा मंदिर। दादा का मार्केट में काम है तो वो भी आ रहे हैं मेरे साथ। अभी मैं हूँ दसाई थल बैंक के बिल्कुल सामने। एक तो इसका स्टेबलाइजेशन बड़ा अच्छा है ना इस फोन का, हिलता नहीं है बिल्कुल। सो टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं और हम लोग चामुंडा मंदिर को निकल गए हैं। देखते हैं क्या चल रहा है भागवत में। तो हम लोग पहुंच गए हनेरा और ये कुछ ऐसा है हनेरा का दृश्य। और यहाँ ना गेहूँ वेहूँ बिल्कुल मस्त हो रखे हैं, देखो। भक्त लोग की आवत जावत चल ही रही है, बहुत लोग जा रहे हैं आ रहे हैं क्योंकि भागवत शुरू हो गया है। तो 8-9 दिन यहाँ भीड़ ही रहेगी मंदिर में आने जाने वालों की। और सामने पे दिखाई दे रहा है माँ चामुंडा का द्वार। अभी इसने अंदर तो नहीं होगी भीड़ है ना। जय हो। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है, एक तरफ है ये जग सारा एक तो हम लोग पहुंच गए हैं माँ चामुंडा के द्वार में। और उधर साइड ना डीजे वीजे चल रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तभी मैं साइड में आया हूँ। भजन कीर्तन चल रहे हैं, क्या भक्तिमय माहौल हो रहा है, ज़बरदस्त भक्तिमय माहौल। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अभी भी, सुबह से ही यहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो लगभग 8-9 दिन यही सब चलेगा, फिर उसके बाद भंडारा वंडारा होगा और प्रसाद तो रोज़ ही ले सकते हैं। कुछ ऐसा सीन चल रहा है इधर साइड, दिखाता हूँ पूरा। ऐसा अभिमान हो गया तो मंदिर में तो चल रहे हैं भजन कीर्तन और हम लोग जा रहे हैं नीचे तक। वहाँ पे ना प्रसाद और साथ बन रहा है कुछ, क्या पता हमें भी मिल जाए, किस्मत रही तो मिल जाएगा, अब नहीं होगी तो क्या करें, किसी और दिन आके लेंगे। चामुंडा मंदिर की लोकेशन देखो कितनी सही जगह में है, चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं, काफ़ी जगह है आसपास। और यहीं पर आगे क्रिकेट भी चलता है, एक फील्ड है। तो यहाँ बन रहा है प्रसाद वगैरह सब कुछ, बाकी मुझे लग नहीं रहा अभी तो बट रहा है प्रसाद, यहाँ सब बन ही रहा है। तो ऊपर चल रही है भागवत कथा और नीचे चल रही है खाने पीने की प्रिपरेशन यहाँ पे। Thank you.
तो प्रसाद वरसाद लेने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। अभी सब लोग बैठ रहे हैं, धीरे धीरे अभी भर जाएगा। तीन लाइनें बना रखी हैं तो इसमें भर जाएंगे, फिर उसके बाद प्रसाद लेना शुरू होगा, फिर हम लोग भी निकलेंगे वापस। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं दसाई तल से और 7 बज गए हैं और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। हम लोग तो सोच रहे थे 4-4:30 बजे वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हमारी किस्मत में प्रसाद भी था और शाम की आरती का आनंद लेने का भी हमारी किस्मत में था। तो बढ़िया प्रसाद और साथ लिया, प्रसाद क्या लिया मतलब पूरा खाना ही खा के आए हैं, फुल हो गए हैं बिल्कुल। घर पर जाके लग नहीं रहा अब खाना वाना खाना है, खीर पूड़ी सब्जी ये सब खा के आए। और सबसे बढ़िया शाम की जो आरती हुई ना, उसमें जो आनंद आया, मज़ा ही आ गया मतलब। तो मैं चल रहा हूँ आगे आगे और पीछे पीछे दादा की गाड़ी भी आ रही है, नहीं तो रात में भी बाइक से जाने में मुझे डर लगती है, यहाँ से बाघ की डर, बाघ का खौफ। कैमरा ऑन है मेरा, हो सकता है मुझे बाघ मिल ही जाए आज। मिल गया तो वैसे भी मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है मैं बेहोश होके गिर जाऊं। ये होता है बाघ का खौफ। ये देखो भाई साहब, इतनी रात में अकेले अकेले घूम रहे हैं, वो भी ऐसी जगह में, और मेरे को बाइक में भी डर लग रही है। वाह। तो फिलहाल हम लोग पहुंचने वाले हैं राधुगढ़, और अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कुछ तो खास है आप में, और कुछ तो खास है इस वीडियो में, इस वजह से ही आप देख पा रहे होंगे और वीडियो को देख रहे हैं, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर ये तो गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी यहाँ से अब हमको चलना है पैदल, वो भी रात में, विद बाघ का डर। दादा की गाड़ी को करना है कवर, फिर उसके बाद चलते हैं। देखो कितना अंधेरा हो रखा है। बाइक का ना एक ये आँख ये खराब सी हो गई है, इस साइड वाली, इस साइड वाली पता नहीं जल नहीं रही है, बाकी ये दो तो चल रहे हैं।